नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजोन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो ये टॉपिक है इसमें देखना है प्रोफाइलोमीटर, और ये सरफेस फिनिश मेजरमेंट चैप्टर का लास्ट पॉइंट चल रहा है। इसके पहले मैंने सरफेस फिनिश मेजरमेंट के पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और लास्ट के लेक्चर में क्या हुआ था, टेलर ऑप्शन टाइल सर्फ हुआ था, मैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज देखना है यहाँ पे प्रोफाइलोमीटर। प्रोफाइलोमीटर बेसिकली क्या है कि एक इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो सरफेस फिनिश मेजरमेंट आपको क्या करता है, माइक्रॉन्स में दिखाता है। ये दो यूनिट का कंसिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेसर है और एक एम्पलीफायर है। अभी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, एक जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है कि बेसिकली ये मेजरमेंट कैसे करता है। आप बोलोगे कि हाँ सर एम्पलीफायर तो नहीं दिखाया है, तो आप एम्पलीफायर बोल रहे हो, ऐसे नहीं है। एक जस्ट सामने का जो स्टाइलस का पार्ट है वही यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस को क्या है, इसका जो वर्टिकल मूवमेंट है होने के लिए क्या किया है, इसको एक स्प्रिंग से अटैच किया है। फिर यहाँ पे ये जो स्टाइलस है, स्टाइलस को ही क्या किया है, इंडक्शन कॉइल अटैच की है। और ये इंडक्शन कॉइल किसके बीच में, यहाँ से देख सकते हो एक परमानेंट मैग्नेट फील्ड है, उसके बीच में क्या है ऐसी, वो आपका परमानेंट मैग्नेट है। ठीक, अभी होता क्या है कि जब आपका ये जो स्टाइलस है, ये सरफेस अंडर टेस्ट है, जब ये स्टाइलस ये सरफेस के ऊपर नीचे करेगा तो क्या होगा, उसके साथ ये स्टाइलस भी क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा। तो ये जो इंडक्शन कॉइल है वो भी क्या होगी, वो परमानेंट मैग्नेट में ऊपर नहीं तो नीचे जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉइल क्या करेगी, एक वोल्टेज इंड्यूस करेगी। वो वोल्टेज इंड्यूस करने के बाद उसको आप क्या कर सकते हो, जैसे ये सर्किट में था आपके, कि क्या होता है कि वोल्टेज इंड्यूस होने के बाद वो एम्पलीफायर के जाता है, फिर उसका बाकी का प्रोसेस होता है और आपके क्या होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे आपको वो रीडिंग बताता है। सेम है यहाँ पे, आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है, अगर प्रोफाइलोमीटर एग्ज़ाम में आता है तो लिखना है कि इट इज़ सरफेस फिनिश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस। ठीक है, और रफनेस किस में दिखाता है, माइक्रॉन्स में। इट कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स, एक वन इज़ ट्रेसर एंड वन इज एम्पलीफायर। ट्रेसर कंसिस्ट ऑफ स्टाइलस, इंडक्शन कॉइल एंड परमानेंट मैग्नेट फील्ड। अभी ये जो स्टाइलस है ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट आपके इंडक्शन कॉइल को अटैच होता है। जब ये स्टाइलस मूव करेगा तो उसके साथ इंडक्शन कॉइल भी आपकी क्या होगी, ये परमानेंट मैग्नेट में मूव होगी। उसके बाद कारण क्या होगा, आपके यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो एम्पलीफायर को जाएगा, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके आपके इंडिकेटिंग डिवाइस पे आपको दिखाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज बेसिकली ये है कि ये पोर्टेबल है, छोटा सा है, आप उसको लेके जा सकते हो जहाँ पे आपको सरफेस फिनिश मेजर करना है वहाँ पे। लेकिन ये टेलर ऑप्शन टाइल सर्फ वगैरह क्या होते हैं, आपको जॉब को वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई जॉब बड़ा है तो आप फिर कैसे करोगे, आपको क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट आप ले जाके उसको सरफेस फिनिश उसकी चेक कर सकते हैं, और क्विक रिजल्ट देता है ये। और फिर इसके साथ ये आप इंक्लाइंड सरफेस भी चेक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी चेक कर सकते हो। लेकिन इसका जो आप हाथ से अगर इसका इसको मोटराइज मैकेनिज्म की वजह से, हाथ के मैकेनिज्म से, मतलब हाथ से रोटेट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका सरफेस फिनिश पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।